अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ईयर क्लास, मेरी पुरानी क्लास, अच्छी क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुना है आप सब मोस्टली लोग माशाल्लाह पीआरसी में ही है, तो इसका मतलब इंशाल्लाह जब कोरोना लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप सबसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह हम लड़ने पड़ेंगे। अभी हमने ऑनलाइन टीचिंग के अंदर लोअर लेवल स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हेडफोन की थी और मोस्टली लोगों को हेडफोन की समझ नहीं लगी थी, तो दे रिक्वेस्टेड कि किस तरह से इसके लेक्चर्स हों असल वाले या जिसमें फोन दिखाई दे। सो दैट्स व्हाई वी मूव्ड ऑन टू दिस काइंड ऑफ ट्यूटोरियल्स। में हम आके यूनिवर्सिटी में आपको मॉडल्स के ऊपर लेक्चर देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि बोन्स कैसी हैं, उन पर क्या चीज़ किस तरह से लगेगी। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें भी आपको अनलेस यू होल्ड द बोन इन योर हैंड तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी ही रह जाती है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। जस्ट अंडरस्टैंड एज मच एज यू कैन, जितनी आपको समझ लग रही है उसको समझें। यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखें इसके बारे में, ठीक है, कैन हेल्प, अच्छा रिसोर्स है और बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं, और ख़ुद से पढ़ें। एक आधी बोन पढ़ना इज नॉट अ बिग डील, आप ईजीली पढ़ सकते हैं। खुद से पढ़ें कि यू विल नो अ लॉट ऑफ बेसिक डिटेल्स, अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जो थोड़ी बहुत जैसे कहते हैं ना वो सिलेबटे रह जाएंगी, वो जब आप लोग आएंगे या दोबारा समय तो रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएगी इच्छा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट एज सच, जस्ट ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो आप आज हम पढ़ेंगे अगेन द सेम स्टडी पे। सो आज हम क्या करेंगे, इस मॉडल के ऊपर और इस बोन के ऊपर हम देखेंगे किस तरह से हिप बोन है, सो दैट यू नो अंडरस्टैंड कि हिप बोन कैसी। एंड देन वी मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन ऑन पावर पॉइंट, जिसमें हम नेटर की इमेजेस हैं मेनली, जिसमें पता लगेगा कि मसल्स कैसे लगे होते हैं। एंड देन आई शो यू कि कौन कौन से मसल ग्रुप्स हैं, ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या मसल्स हैं, किस किस तरह से लगे, क्या क्या उनके एक्शन है, सो देट आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी। सबसे पहले ये मॉडल देखें, वन हिप बोन, टू हिप बोन, दोनों। अब दिस इज सर ग्राउंड शेप, यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे ब्लैडर पड़ा होता है, पीछे रेक्टम पड़ी होती है। इन फीमेल्स ब्लैडर रेक्टम, दरमियान में आपकी यूट्रस भी होती है, ठीक। अब ये जो कैविटी, दिस देखिए, ये थोरैक्स की कैविटी, ये एब्डोमेन की कैविटी, दिस इज पेल्विक कैविटी। अब ये पेल्विक कैविटी की हम बात कर रहे हैं तो ये इनर साइड है और ये आउटर साइड है, ठीक है। अब द प्रॉब्लम कम्स इंटीरियर पोस्टीरियर, जब आप पहले लेते हैं इंटीरियर क्या है पोस्टीरियर क्या है, दिस वुड बी मीडियल, ये मीडियल साइड होगी और इसकी जो आउटर साइड है ये वाली, दिस वुड बी लैटरल। लैटरल किस तरह से, हमने ऊपर जैसे कहा था, ऊपर हमारी लिग्नॉइड थी ना, ये देखिए लिग्नॉइड थी, लिग्नॉइड हमने सिंपली कहा था कि जी जहाँ पे तो लिग्नॉइड कैविटी है और जहाँ पे ह्यूमरस का हेड है, दैट इज गोइंग टू लैटरल, क्योंकि कंधा बाहर की तरफ आता है, कंधा इज ऑलवेज इन द लैटरल साइड। सिमिलरली लोअर लिम में आ जाए तो लोअर लिम में ये आपका ऐसे टैबुलम है, ऐसे टैबुलम इज दिस वन, ये ऐसे टैबुलम है, ये ऐसे टैबुलम है, इसमें फीमर लगी है, दिस इज फीमर, फीमर लगी है, तो दिस इज गोइंग टू बी द लैटरल और आउटर साइड, ये वाली, दिस इज गोइंग टू बी द इनर साइड और मीडियल साइड। ये अब देखिए ये चीज इंटीरियर ही आ जाती है, और अगर इसी आपको मूव कर लेंगे तो ये चीज पोस्टीरियर की आती है, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ लीनियर बोन, एक सीधी बोन की एक राउंड बोन है, पर वो भी ओब्लीकली जुड़ी हुई आपस में। अब इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज सेक्रम, ये सेक्रम का जॉइंट है, सेक्रम आईलिड जॉइंट, ये हमने कहा था आईलियम है, ये प्यूबिस है और नीचे इशियम, फाइन। आगे दोनों प्यूबिस मिल जाती है तो क्या बनाती है, प्यूबिक सिम्फिसिस, हमने कहा था प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, प्यूबिक क्रस्ट होता है, प्यूबिक रेमस होता है, सुपीरियर प्यूबिक रेमस, नीचे इशियो प्यूबिक रेमस होता है, जो इशियम से मिलता होता है, ठीक है। एंट्रो हम जा रहे हैं, आगे सारा कुछ हो गया, फिर ऊपर ये आईलिप होती है, दिस इज आईलिप फोसा, होल ऑफ दिस इज विंग ऑफ आईलिप, सारा का सारा विंग ऑफ आईलिप है, एंड दिस इज द क्रस्ट, आईलिप क्रस्ट इतनी बड़ी, इसके ऊपर अब ये सिंपली देखना इसके ऊपर कौन सा मसल जारी होंगे, ऊपर से आ रहे हैं नॉर्मल के इधर, ठीक है, इधर कौन से मसल लगे, मेरे टंग पे जा रहे हैं, पीछे कौन से लगे होंगे, पीछे पीछे के इशियल ट्यूबरस, पीछे कौन से लगे होते हैं, पीछे जा रहे होते हैं,
फाइन। अब सिंपली आप देखिए इसको, हम इसको अब पीछे कर लेते हैं ताकि आपको पीछे से देख पता चले पीछे क्या हो गया। पीछे आपको ये सेक्रम आ गई, ये कॉक्सिक्स आ गई, दिस इज द पोस्टीरियर और आउटर साइड ऑफ आइलियम, विंग ऑफ आइलियम, ठीक है। अब ये एरिया कौन सा है, दिस इज द बटक्स रीजन, ये बटक्स का रीजन है, ठीक है। बटक्स के रीजन में जो मसल्स होते हैं, जो आपकी बटक्स का कॉन्टोर बनाते हैं, जो बटक्स की गोलाई बनाते हैं, उनको हम ग्लूटीस मसल्स कहते हैं। ग्लूटीस मसल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज सबको पता है बचपन में सभी को टीके लगे, अभी भी लगते हैं। अडल्ट्स में हम इंटरमस्कुलर इंजेक्शन देते हैं इन डेल्टॉइड, जब हमने अपने पढ़ी थी तो मैंने थोड़े एम्फसाइज किया था कि जी डेल्टॉइड के ऊपर, डेल्टॉइड इज अ बिग बल्की मसल जो कि कॉन्टूर बनाता है, गोलाई बनाता है आपके कंधे की, इसके अंदर जाके हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। क्यों देते हैं इसके अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, बिकॉज इसका बल्क बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे कोई नर्व, कोई वेसल नहीं पड़ी होती, वो डैमेज सुई लगती है, बल्क ऑफ मसल में जाती है, इंजेक्शन जाकर बाहर जाती है, और बल्क ऑफ मसल ज़्यादा है तो जो पीछे आपका मेडिसिन एकमुलेट होती है वो पेन कम करती है, जल्दी डिसिपेट होती है अपने हिसाब से, जल्दी ब्लड में शामिल होती है, छोटे मसल से पेन ज़्यादा होती है। सिमिलरली बच्चों में खास तौर पे दिस इज द रीजन बटक्स का रीजन एंड इंटीरियर साइड, इंटीरियर साइड, ठीक है, उसमें इंजेक्शन लगते हैं मेनली बटक्स का रीजन। अब बटक्स में ग्लूटियल मसल होते हैं, ठीक है जी, ग्लूटियल मसल, ग्लूटियल मसल कौन कौन से होते हैं, अब ये देखेंगे, ये बटक्स है, इसे कहते हैं क्लेफ्ट, जो बटक्स की आपकी क्लेफ्ट होती है, वन एक साइड का बटक, दूसरी साइड का बटक, दिस इज गोइंग टू बी ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल मसल इस साइड है, ये इस साइड है। सिमिलरली ऐसी ग्लूटियल मसल नीचे की तरफ आ रही है, ग्लूटियल मसल मेनली ऊपर से नीचे आके फीमर पे लगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज ये इतना हिस्सा होगा बस ग्लूटियल मसल का, एंड देन आपकी बैक ऑफ थाई के मसल है जिनको हम कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल, और इस साइड एक मसल होगा छोटा सा ऊपर, क्योंकि यहाँ फेशिया होता है, उस फेशिया के ऊपर लगा होगा मसल आईलियोटिबियल, आईलियोटिबियल ट्रैक उस फेशिया को कहते हैं, ठीक है, टेंसर फेशिया लगा उस मसल, इतनी सी बात है। तो अब आपने क्या क्या देखा, अब बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई साइंस ही नहीं है, बैक साइड है, बैक साइड है, बैक साइड के मसल होंगे तो ग्लूटियस, ग्लूटियस मिनिमस, मीडियस, मैक्सिमस, मैक्सिमस यहाँ लगाया होता है, देन इधर बैक साइड के मसल, बैक साइड के कौन कौन से मसल है, साथ में देखिए मीडियल हो गया, दिस इज ऑल्सो बैक एंड मीडियल, सो रेक्टस फेमिनस आगे भी लग जाता है, पीछे कौन कौन से आते हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडेनोसिस, बाइसेप्स फेमिनस एंड देन एडेप्टर मैग्नस का कुछ हिस्सा भी यहाँ तक आ रहा होता है जो मीडियल साइड का आता है, ठीक है। दिस इज मीडियल एंड पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर मसल और मीडियल मसल एक यहाँ से, ठीक है। पीछे क्या आपको दो मसल ग्रुप समझ लेना चाहिए, फर्स्ट वॉज द ग्लूटियल मसल्स, सेकेंड वॉज द मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द थाई, ठीक है, जिनको हम हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर है बाइसेप्स फेमिनस, सेमी टेंडेनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप्स फेमिनस इज ऑन द लैटरल साइड, सेमी टेंडेनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस आर ऑन द मीडियल साइड। ये जब हम डायग्राम्स पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अब फ्रंट पे आ जाए, सो यू हैव लर्न टू ग्रुप्स ऑफ मसल्स, दो ग्रुप ऑफ मसल आपने देखे, अब फ्रंट पे आ जाए, ठीक है। नाउ अगेन फिर से हम उसी बात को जोर दे रहे हैं, दिस इज द इनर साइड और मीडियल साइड, दिस वाज द आउटर साइड, इनर साइड के ऊपर डॉक्टर साहेबान और साहेबाद आइए कोसा एलाइट, जैसे सबस्कैपुलैरिस लगा दी हुआ था सबस्कैपुलर कोसा का, आइए कोसा इलाइटस, बच्चों इलाइटस के साथ एक और मसल होता है, मसल होता है जो नीचे जा रहा है, वो इन वर्टिब्रा से निकल रहा है, उसको कहते हैं सॉस, सॉस मेजर, और ये दोनों मिलकर इकट्ठे जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इसको हम आइलियो सॉस भी कहते हैं, आइलियो एंड सॉस, ठीक है। अब ये एंड देन हियर, अब सिंपली देखिए पीछे के बटक्स के मसल हो गए, ये मसल हो गए, आइलियोसॉस इज अ मसल जो कि यहां पे रहता है, इसको मूव कर एक पुश कर, सो वी हैव टू हैव अ कौन कौन सा मसल आपको होने चाहिए, एक वो जो फ्लेक्शन कर रहा आगे वाले मसल, और अगर एब्डक्टर लेंगे तो एडक्टर। अब ये सिंपली देखिए अगर एक मसल इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो अगर एडक्टेड है तो इधर से इधर मसल जा रहा है तो वो मसल पुल करेगा तो एडक्टर करेगा, इधर सारे मसल्स एडक्टर्स होंगे, समझ रहे हो आप,
ये देखिए कि प्यूबिस थी, प्यूबिस की नीचे वाली साइड है, अगर आप बोन पे देखें तो प्यूबिस की नीचे वाली साइड है इशियो प्यूबिक रेमाइन लैटरल और आउटर सरफेस, नॉट इनर सरफेस, आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में इधर एडक्टर लॉन्गस ब्रेविस एंड मैग्नस, लॉन्गस ब्रेविस मैग्नस, इशियो प्यूबिक रेमाइन सुपीरियर प्यूबिक रेमाइन में थोड़ा जाएगा, फिर ये जो मेन आपके इधर है इशियो प्यूबिक रेमाइन और फिर लोअर साइड ऑफ द इशियो प्यूबिक रेमाइन एंड एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द ट्यूबरोसिटी, इशियो ट्यूबरोसिटी मैग्नस, तो लॉन्गेस्ट ब्रेविस एंड मैग्नस, फिर इधर ही मसल लगा होता है ग्रेसिस, वो भी इनके साथ ही इसी तरह। फाइन, ये एडक्टर मसल है, एक और मसल को हमने पढ़ लिया और एक मसल ग्रुप आपकी फ्रंट का थाई का, दैट इज मैंने पहले बताया था क्वाड्रिसेप फेमोरिस, क्वाड्रिसेप बाइसेप वाज टू हेड्स, ट्राइसेप वाज थ्री हेड्स, बाइसेप्स ब्रिकियलिस, बाइसेप्स ब्रिकियलिस वाज दिस वन, ब्रिकियल रीजन में बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स ब्रिकियलिस तीन हेड्स का ट्राइसेप्स है, दिस इज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, फेमोरल रीजन का क्वाड्रिसेप्स जिसके चार हेड, तो वन वुड बी रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस यहां से निकलता होता है ऐसे टेबुलर रिंग से थोड़ा सा होता है और ये इंफीरियर स्पाइन्स, इंटीरियर इंफीरियर आईएस स्पाइन्स और टेबुलर रिंग्स, इधर से निकलता आगे आता है, बाकी सबके सब की ओरिजिन फीमर के ऊपर, जो मैंने बताया था कि दरमियान वाला जो है सेम सिंपल को मसला ही है, मीडियल साइड वाला वास्टस मीडियलिस है, लैटरल साइड वाला वास्टस लैटरलिस है, दरमियान वाला वास्टस इंटरमीडिएट, इजी, मीडियल साइड वाला मीडियल है, लैटरल साइड वाला लैटरलिस है, दरमियान वाला इंटरमीडिएट है, ठीक है जी, वो लगे होते हैं फीमर के ऊपर, जब आप फीमर पढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे, वो फीमर से जा रहे होते हैं। अब देखें आइलियोसॉस हो गया, जब आपने इधर भी दो ग्रुप ऑफ मसल्स पढ़ लिए, एक आपने ये वाले पढ़े क्वाड्रिसेप्स और आइलियोसॉस, जो आपकी ये मूवमेंट करा फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट, फिर आपने एडक्टर्स पढ़े जो आपकी एडक्शन एक्सटेंशन करा, पीछे आपने हैमस्ट्रिंग्स पढ़े, ठीक है जी, जो आपकी एक्सटेंशन करा रहे थे एट द हिप जॉइंट, फिर आपने ग्लूटीआई पढ़े जो आपकी पेल्विक कैविटी को स्टेबलाइज कर रहे थे, आपकी पेल्विस को स्टेबलाइज करते हैं व्हेन यू आर मूविंग, मूवमेंट मूविंग मसल एंटी ग्रेविटी मसल स्पेशली, ठीक है, साथ में ये जो एलिटिबल क्रैक वाला मसल आपका टेंसर फिशियल है वो साइड पे, सो इफ अ मसल इस तरह से खींचता है तो एबडक्शन होगी, सो देन देयर आर मसल्स स्मॉल मसल जो एबडक्टर्स हैं, देन देयर आर स्मॉल मसल जो के रोटेटर्स हैं, एक्सटर्नल रोटेटर्स हैं, इंटरनल रोटेटर्स हैं, दिस मूवमेंट ये वाली और ये, ठीक है, तो इनमें आप क्या करते हैं, मैं आपको ये देखिए ये वाली और ये वाली एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन, दीज अभी स्मॉल मसल है, जैसे ऊपर भी थे हमारे सबके लिए स्मॉल मार्बल मसल था ऊपर, ठीक है, और अंदर और छोटे छोटे मसल्स हमारे पास जो माइनर मसल्स थे जिनका इतना रोल नहीं होता या जिनके स्पेशलाइज रोल होते, थोड़े थोड़े रोल होते, टीवीस माइनर होता है, टीवीस मेजर जैसे हमारे पास था, सो हियर अगेन देर आर डिफरेंट मसल्स फॉर डिफरेंट एक्शन, बट मेन देर आर फोर ग्रुप ऑफ मसल्स, अगली साइड में फ्लेक्सर्स है, मीडियल साइड पे एबडक्टर्स हैं, बटक्स के ऊपर ग्लूटियस हैं और पोस्टीरियरली हैमस्ट्रिंग है। फाइन, अब इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समय लगेगी, अब ये बोन एक बार फिर से देखें, मेरे हाथ में बोन है, बोन को इस तरह पकड़ाया था आप अपने ऐसे, ये जो था ना शैटिक नॉच, ग्रेटर शैटिक नॉच, उसमें ऐसे, दिस इज गोइंग टू बी द बोन, ठीक है, अब सिंपली देखिए मैंने कहा ना ये इज ऑलवेज गोइंग टू बी मीडियल, क्योंकि सेक्रम दरमियान में होती है, इसका जॉइंट वर्टेब्रल कॉलम से बना है, जो चीज़ वर्टेब्रल कॉलम के साथ है वो मीडियल है, दिस इज गोइंग टू मीडियल दिस वे, सो इसका जॉइंट सेक्रम के साथ बन रहा है, ये भी मीडियल है क्योंकि इसका जॉइंट आगे बन रहा है फ्रंट में दूसरी प्यूबिस के साथ, बोथ एंड द मीडियल दिस इज लैटरल, बट दिस इज इनर दिस इज आउटर, आउटर इज एसेटेबल, ठीक है जी, अब इस बोन को इस तरह से मैंने हाथ पकड़ाया हिसाब से देखिए खुद ही बताइए कि क्या क्या चीज़ लगी होगी, मीडियल ये है, अंदर है तो लाइकस लगा होगा, सार्टोरियस लगा होगा इंटीरियर सुपर एलिक स्पाइन के ऊपर, नीचे लगा होगा रेक्टस फेमोरिस, इस साइड पे आउटर साइड पे इंटीरियर आया था ये वाला दिस वन, इधर लगे होंगे सारे के सारे एडक्टर मसल्स, रेक्टस फेमोरिस यहाँ से आ गया, आ गया फ्रंट पे एडक्टर यहाँ से मीडियल, देन यू मूव ऑन टू द बैक साइड, इसको उल्टा कर ले, बैक साइड पे क्या होगा, इधर ग्लूटीआई लगे होंगे सारे ऐसे ही,
ईशियल ट्यूबरोसिटी, ये बैक आ जाती है, हमने देखा है ये बैक से आएगी। बैक पे क्या होगा जी, हैमस्ट्रिंग मसल्स, कौन कौन से, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और एक और हैमस्ट्रिंग मसल है बाइसेप्स फेमरिस। इतनी सी कहानी है। ऑब्चुरेटर के नाम पर जो फोरमेन है, इसके आउटसाइड पे जो मसल लगा होता है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस होता है, इनर्स लगा होता है ऑब्चुरेटर इंटरनस होता है। ठीक है, इतनी सी कहानी है बॉडी के ऊपर। दिस इज आवर जॉइंट इज फॉर्म। ठीक है, ये इस तरह से जॉइंट जॉइंट बन रहा होता है सिंपली। ठीक है, फीवर अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे की मूव ऑन। अब मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस सबके बाद आपको कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत कुछ समय लगना चाहिए या लग गया होगा हेडफोन के बारे में। बट अगेन, आपके अपने पास फोन नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू मेक एज मच ऑफ इट एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें तो अल्लाह क्या करके बेहतर हो जाएगा। नाउ वी लुक एट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन स्लाइड, ताकि आपको उसमें पता लगे कि जी हम एक बार मसल्स के अटैच को सुनवाइज करें। ठीक है, मॉडल में साइड में डाला, जरूरत पड़ेगी मैं आपको मैं सिखाता हूँ।